विधानसभा 25 से राजकीय लोकदल के संभावित प्रत्याशी मतलूब अहमद पूर्व जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में विधानसभा के क्षेत्रवासियों ने पेपर मिल द्वारा 326 कर्मचारियों को निकाले जाने पर एवं धान और गन्ने बकाए भुगतान के संबंध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अगवानपुर स्थित वीनस कैलाश पेपर मिल द्वारा 326 स्थायी कर्मचारियों को फैक्ट्री प्रबंधक ने असंवैधानिक तरीके से स्थायी बंदी करके दिनांक 20/7/2021 से फैक्ट्री से निकाल दिया। 20 वर्षों से सभी कर्मचारी मेहनत करते चले आ रहे थे। फैक्ट्री द्वारा निकाले जाने पर सभी कर्मचारी 24/9/2021 से फैक्ट्री के गेट पर अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी सहयोग नहीं मिला। समस्त कर्मचारी व उनके परिजन खस्ताहाल स्थिति में है। ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि सभी कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने का प्रशासन जल्दी कोई तरीका निकाले ताकि कर्मचारियों के परिवारों का पालन पोषण सुचारू रूप से हो सके। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि पिछले साल का धान व गन्ने का बकाया अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्र के सभी किसान परेशान हैं। ज्ञापन देने वालों में महिला विंग की जिला अध्यक्ष रईसा खान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और कांड विधानसभा 25 से संभावित प्रत्याशी मतलूब अहमद, राशिद अली, शहनवाज मलिक, थान सिंह, शीशपाल सिंह, सुनील सैनी, जबर खान, अशोक कुमार आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। नाम मतलूब अहमद है जी। किस समस्या को अगर आप लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है? ऐसा बड़े भाई, ये एक महीना लगभग इन लोगों को धरने पर बैठे हो गया है। मिल पेपर मिल अगवानपुर 326 लोग हैं, जबकि हाईकोर्ट तक से चुनाव जीत चुके हैं, मतलब अपना मुकदमा जीत चुके हैं। इनके मुआवजे का मैटर है। और इसके अलावा कांट तहसील में जो पुराना धान खरीदा था सरकारी विभाग ने, ना उस धान का परमिट हुआ, ना पिछले गन्ने का हुआ। उन सब मांगों को लेकर हम लोगों ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी जी के लिए कि अगर आप लोग किसान निस्तारण करा देंगे तो ठीक है, वरना 28 के बाद 28 में हमारा जो शुक्ला की पुलिया कुचाल दिए माननीय जैन जी का कार्यक्रम है, उसके बाद मिल मालिक को घेरने का काम करेंगे। अगर माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी निपटवा दूंगा, अगर नहीं निपटा पाए तो हम मिल के गेट पर घेर के तब इन मजदूरों का हक दिलाने का काम तालाबंदी हम लोग करेंगे। तालाबंदी करेंगे, अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे, चाहे यहाँ बैठना पड़े चाहे गेट पर बैठना पड़े, लेकिन इनका हक दिलाएंगे। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय नेता का भी उद्देश्य है कि जहाँ जो परेशान है उसकी परेशानी को तुरंत हल कराया जाए। उसके लिए आप लोग पूरा, चाहे मेरा भी अगर आना पड़े तो मैं खुद भी आऊंगा। मेरे ताबून की भी जरूरत है, जितना जिसकी ताबून की जरूरत, जिस नेता की जरूरत है, जिस हमारे पदाधिकारी की जरूरत है, वो सब लोग यहाँ आने के लिए तैयार हैं, मगर पहले इन लोगों का हक मिले। बाकी कितने लोग हैं यहाँ? लोग तो 326 लोग हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है। परिवारों से 20 साल से तुलसी सैनी नाम है। तुलसी जी, क्या समस्या है, किस कारण जिला कलेक्ट्रेट आए आप? समस्या हमारी ये है सर, 20-21 साल से हमें क्लोजर दिखा के मिल बंद कर दी गई। कह रहा कि जब हम मिल चलाएंगे तब आपको दोबारा रख लेंगे। उसके बाद 20-21 सालों से ये हो रहा है कि नए नए नाम बदल बदल के मिल चल रही है बराबर। हम लोग सड़क पे हैं, हमारे परिवार परेशान, बच्चे परेशान, लगभग 100 पुरुषों की इसमें डेथ हो गई है और सारे सभी लोग परेशान हैं। और लगभग 24 तारीख से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये मिल कहाँ पर थी और कितने? जीनस पेपर मिल, जीनस पेपर मिल, पेपर मिल अगवानपुर चौराहा। कितने वर्षों से काम किया जा रहा था लेबर द्वारा वहाँ? लेबर द्वारा काम तो बराबर करा है, 35-35 साल लोग पुराने हैं जो कर रहे थे, तब से मतलब चालू हुई है तब से कर ही रहे हैं जितने वर्कर यहाँ खड़े हैं। अब क्या समस्या आ रही है? अब समस्या ये है, हमें 20-21 साल का हक दिया जाए और उसके बाद हम 24 तारीख से उसमें लगे हुए हैं वहाँ पे गेट पे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। पुलिस या छोटे मोटे कर्मचारी आते हैं और हमें वहाँ से हटा देते हैं, तो कोई भी आश्वासन नहीं मिला। राष्ट्रीय लोक दल वाले या हम आप क्या शिकायत करने आए हैं आप डीएम से? हम ये शिकायत करने आए हैं अभी हमारी सुनवाई हो और हमें हक मिले, और नहीं मिलता है हक तो हम फिर तालाबंदी करते हैं आप डीएम के यहाँ या गेट पे, फिर हम फैक्ट्री में ना किसी को आने देंगे जाने देंगे। हम बहुत बुरे कगार पे हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग है, ये पदाधिकारी खड़े हुए हैं राष्ट्रीय लोक दल के और आपके द्वारा हम यहाँ पे हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है तो हमारी ये मांगे पूरी हों। मांगे